हेलो एंड वेलकम टू डेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब आएगा तूफान, क्योंकि अब यहाँ पर पाखी के सामने आ चुका है सच। सच वो भी किसी और का नहीं बल्कि अधिक का, और ये सच दिखाने वाली है पाखी अपनी माँ को और बताने वाली है कि वो त्योहार के दिन इस तरह से क्यों गायब हुई। रोमिल क्यों फूट फूट कर रो रहा है? रोमिल जानबूझकर या किडनैप करके पाखी को लेकर नहीं गया है दोस्तों, बल्कि पाखी अपनी मर्जी से रोमिल के साथ गई थी अधिक का चेहरा सबके सामने लाने के लिए, अधिक को एक लेसन पढ़ाने के लिए, अधिक को उसकी नानी याद दिलाने के लिए। क्या कुछ हुआ है और ऐसा कौन सा वीडियो अब दिखाएगी आकर पाखी अपनी ही माँ को, चलिए हम आपको पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, जहां पर अब आप सब ये देखेंगे कि अधिक के बारे में बहुत बड़ी बात बताती हुई नजर आएगी पाखी। जी हाँ, अनुपमा वहां पर पहुंच चुकी है जहां पर रोमिल पाखी को लेकर गया था, और अनुपमा ये सोच रही होगी कि रोमिल की वजह से उसकी बेटी गायब हुई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि रोमिल इसलिए रो रहा होगा क्योंकि उसको पाखी नजर नहीं आ रही होगी और उसको डर लग रहा होगा कि पुलिस वाले कहीं उसी को ना पकड़ ले। लेकिन इसी बीच पाखी आ जाएगी और पाखी ये बताने वाली है अपनी माँ को कि मुझे यहाँ पर रोमिल नहीं लाया बल्कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, क्योंकि मुझे रोमिल ने दिखा दिया था अधिक का असली चेहरा। आप ठीक थी मम्मी अधिक के बारे में, अधिक मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, वो अनुज के बिजनेस को पूरी तरह से हड़पना चाहता था और मुझे अपने झूठे प्यार से उस घर के अंदर एक हाउसवाइफ बना कर रखना चाहता था, और वो ये दिखाना चाहता था कि वो मुझसे बहुत सुपीरियर है और मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे, और इसमें उसके साथ उसकी बहन बरखा मिली हुई थी। और मैंने वो वीडियो अपनी आंखों से देखा जब रोमिल ने मुझे दिखाया, रक्षाबंधन पर ही रोमिल ने मुझे वो वीडियो दिखाया, और उसके बाद मैंने और रोमिल ने ये प्लान करा कि हम दोनों अब अधिक को मजा चखाएंगे। और ऐसे में मम्मी मैं रोमिल के साथ आ गई और हमने ये प्लान बनाया कि मैं गायब हो जाऊंगी तो सब अधिक के ही ऊपर शक करेंगे और उसी के ऊपर गाज गिरेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिक को अपने सारे कुकर्म बताने पड़ेंगे। खैर, ऐसा हो चुका है क्योंकि पता चल चुका है बड़ी को भी कि क्या कुछ किया है अधिक ने उनके ऑफिस के अंदर, और मुझे भी पता लग चुका है, और अब मैं आपके साथ चलकर ये सच्चाई सबको बताने वाली हूँ और अधिक से दूरी बनाने वाली हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर अनुपमा लेकर जाने वाली है रोमिल को भी और पाखी को भी अपने साथ शाह हाउस में जन्माष्टमी के मौके पर, और दिखाने वाली है सारी सच्चाई अधिक की। क्या लगता है आपको, क्या अधिक को मिलनी चाहिए सजा? आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।